जो पिछली क्लास थी उसके कंटिन्यू है, बीच में कॉल आने की वजह से वीडियो रुक गया। तो एरिया मेरे पास चार का मतलब है, तो बेड को सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि बेड में जो सभी पोषक तत्व चारागाह का चादर प्राप्त कर लेती है, उसको किसी भी प्रकार के दाने की आवश्यकता नहीं होती। और यदि अपने पास में चारागाह उपलब्ध नहीं है तो उस पशु को लिए या उस बेड के लिए अपने को निम्न प्रकार का दाना मिश्रण देना पड़ता है। अन्यथा निम्न प्रकार का राशन दे, ये लेना कम से कम 1 किलो और 400 ग्राम में लगभग। यदि अपने पास चारागाह उपलब्ध है तो भेड़ को दाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि चारागाह उपलब्ध नहीं है तो उस भेड़ को निम्न प्रकार का राशन दे, और उस राशन में हम 400 ग्राम दाना मिश्रण, 400 ग्राम लेग्यूम है, और लगभग 1 किलो के लगभग हरा चारा या साइलेज है जो पशु को अपन खिला सकते हैं, ताकि उस पशु की सभी आवश्यक क्रियाएँ पूर्ण हो सके। उसके पश्चात भेड़ के जाने के 10 दिन से विनिंग कर, भेड़ के जाने के 10 दिन से वेनिंग तक डायसोग्राम अतिरिक्त दाना मिश्रण दे। जैसे बेड में प्रसव क्रिया हो जाती है तो प्रसव क्रिया के 10 दिन से लेकर जब तक अपन बेड के बच्चे की वेनिंग नहीं करते तब तक बेड को डायसोग्राम अतिरिक्त दाना मिश्रण देना है, और धीरे धीरे क्या करना है, इस दाने मिश्रण की मात्रा को बढ़ाना है। बढ़ाकर इसकी मात्रा तो डायसोग्राम की 500 ग्राम कर देते हैं। इस दाने मिश्रण को बनाने के लिए गेहूं का छापर व चने की चूरी एक अनुपात 2 में लेना चाहिए, यानी कि जो भी 10 दिन की बेल के बैठने के पश्चात 10 दिन की ऐसे मिलिंग तक जो अतिरिक्त दाना मिश्रण देते हैं, उस दाना मिश्रण को बनाने के लिए अपने को गेहूं का चावल और चने की चूरी काम में लेनी है, और इसका अनुपात है जो 1:2 होता है, यानी 100 ग्राम गेहूं का चावल लेंगे तो चने की चूरी 200 ग्राम लेनी है, इनका अनुपात 1:2 होता है। इसके अलावा एक भेड़ को प्रतिदिन कितने घंटे चारागाह पर चराना चाहिए, तो एक भेड़ को
लेयर को एक लेयर को चार बार प्रतिदिन 8 घंटे चलाना चाहिए। एक लेयर को चार बार प्रतिदिन 8 घंटे चलाना चाहिए और 8 घंटे चलाने के बाद में भी अपन उसको 800 ग्राम लेग्यूमिनस है और 100 ग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन दे सकते हैं। 800 ग्राम लेग्यूमिनस है प्लस 100 ग्राम कंसंट्रेट मिक्सचर। एक बेल को प्रतिदिन 4-8 घंटे चलाने के पश्चात उसको अपन 800 ग्राम लेग्यूमिनस है और 100 ग्राम कंसंट्रेट मिक्सचर या दाना मिश्रण प्रतिदिन दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी बेड है उस बेड के आवास पर अपने को बेड के आवास पर बेड के आवास पर साल क्लियर करते हैं। साल क्लियर का मतलब जैसे मेटर मिक्सर की एक होती है वैसे ही साल क्लियर आती है जिसके अंतर्गत बेड के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। उसमें आपके विटामिन भी होते हैं, मिनरल मिक्सर भी होते हैं, कुछ मात्रा में एंटीबायोटिक्स भी होते हैं। ये सब कुछ उस साल क्लियर में होते हैं, वो भी अपने को बेड के आवास पर रखनी है ताकि बेड में किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं हो। और इसके अलावा एक बेड को प्रतिदिन उसके साथ एक बार का बेड प्रतिदिन उसके साथ एक बार का 4% ड्राई मैटर शुष्क पदार्थ एक बेड को प्रतिदिन उसके साथ एक बार का 4% ड्राई मैटर देना चाहिए। कई बार मैंने पूछी गई है कि एक बेड को प्रतिदिन उसके साथ एक बार का खालिस्तान ड्राई मैटर की आवश्यकता होती है तो 4% ड्राई मैटर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो अपने ये साल लीग है इस साल लीग का कंपोजिशन क्या है, किन किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है और किस किस प्रकार के पोषक तत्व इस साल के इसके माध्यम से अपने को मिलते हैं वो भी देखो। रोग साल क्या है 40% अमोनियम संकेत 20% है। इस प्रकार अपने पास 100% साल क्लियर प्राप्त हो जाती है। कितना टोटल आप करोगे ये 100% जो भी साल क्लियर होती है उस साल क्लियर में अपने को 40% रोग साल मिला है। रोग साल में आपका सेना वगैरह जो भी मिनरल मिक्सर होते हैं सब आ जाते हैं उसमें अलाउंस है जो भी। इसके अलावा अलग से 20% अमोनियम सल्फेट मिलाना है, 20% डाई कैल्शियम फॉस्फेट मिलाना है,
10% यूरिया और 10% ही मोलासेस, ये सब मिलाकर इस प्रकार का सार तैयार किया जाता है जो उस पेड़ में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आवश्यक होता है। अब आपका एक लास्ट छोटा सा लाइन टॉपिक बचा है, वो है कि मांस और गुण उत्पादन है पेड़ का पोषण। तो जब ताजा फसल करती है अपने पास और जब अपन भेड़ को मांस और गुण उत्पादन के लिए पालते हैं, तो जब भी ताजा फसल करती है तो उस भूमि पर सबसे पहले अपन गाय भैंस को चराने के लिए छोड़ते हैं, और जब उस भूमि पर गाय भैंस चर लेती है तो गाय भैंस के चरने के पश्चात भी उस भूमि पर अपने को भेड़ बकरी है उनको भी चरने के लिए भेजना है। तो जब ताजा फसल करती है तो उस भूमि पर भैंस के चरने के पश्चात भी भेड़ को चराना चाहिए ताकि भेड़ के लिए जो भी पोषक तत्व आवश्यक होते हैं उन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति उस नई फसल कटे हुए खेत से प्राप्त हो सके। क्योंकि अगर मूलीदार खेत है तो उसमें काफ़ी मात्रा में मूली वगैरह गिरी हुई रहती है और उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और मिनरल वगैरह सभी पोषक तत्व होते हैं। इसके साथ ही पेड़ को अच्छी गुणवत्ता का कंसंट्रेट राशन भी उचित मात्रा में देना चाहिए ताकि उसका मांस में गुण उत्पादन बढ़ सके। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये जाननी है कि जो एक भेड़ होती है उस भेड़ को उसके शारीरिक भार का 4% ड्राई मैटर प्रतिदिन देना चाहिए।